दोस्तों नमस्कार, लेक सिटी प्रेस क्लब, लेक सिटी प्रेस क्लब के सभी जितने भी मेंबर्स हैं सभी बैठे हुए हैं और सीट पर विराजमान है लेक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्रीमान रफीक जी पठान साहब। लेक सिटी प्रेस क्लब उदयपुर का बहुत पुराना प्रेस क्लब है। ये उस जमाने में बनाया था, कम से कम भी मेरे ख्याल से तो इसको 26-28 साल हो गए हैं। भूपेंद्र सिंह जी राव, प्रकाश जी शर्मा उस जमाने के पत्रकार थे, हम भी उनके साथ थे उस समय। लेक सिटी प्रेस क्लब बनाया, बट आज बहुत बड़ी खुशी होती है कि इस जमाने, हाँ उस समय में भूपेंद्र जी के साथ रफीक साहब भी थे जो आज हमारे लेक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं। मैं तो चाहूँगा कि वर्तमान में तो ये अध्यक्ष हैं, लेकिन अभी लेक सिटी प्रेस क्लब के 3 अध्यक्ष और बैठे हुए हैं। मैं उनसे चाहूँगा कि वो भी अपनी सीट लेकर इनके पास बैठे, रफीक साहब के पास। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि नारेश्वर जी राव, क्योंकि अभी लेक सिटी प्रेस क्लब में सीनियर में प्रेस क्लब के अध्यक्ष में नारेश्वर जी राव है। इसके बाद में मैं चाहूँगा कि ये अख्तर साहब, क्योंकि प्रताप जी से पहले शायद आप बने हो, तो आप भी इनके पास बैठो। हेमंत जी श्रीमाली, आप थोड़े साइड में जाओ, बिल्कुल आप उधर बैठिए, बट इनके पास बैठिए। और प्रताप जी से चाहूँगा कि ये अपनी सीट लेकर उधर बैठिए। ये बड़ी खुशी की बात है दोस्तों कि दिस इज ए लेक सिटी प्रेस क्लब। ये प्रताप जी जस्ट बैठे हुए हैं, अब कोई आड़े वाड़े मत आना भाई। ये प्रताप जी राठौड़ लगाते हो, अब प्रताप सिंह जी राठौड़ है, बेदला में रहते हैं। ये लेक सिटी प्रेस क्लब के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। अख्तर साहब आप भी 2 बार रह चुके हैं? एक बार रहा हूँ। एक बार ही जी? वापिस बढ़ने की इच्छा है? नहीं अभी फिलहाल नहीं है। चलो एक बार ये रहे। और नारेश्वर राव आप भी शायद 2 बार? मैं 3 बार रहा। 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। अब मैं चाहूँगा कि सभी लोग हैं पत्रकार में जैसे सीनियर, ये तो हेमंत जी श्रीमाली है, इन्होंने भी देवविजन केबल, महाराणा केबल, बहुत सी केबलें चलाई है, बहुत बहुत बधाई। और आज ये मल्टीविजन क्या बना रहे हो? मल्टीनेट उदयपुर प्राइवेट लिमिटेड का आज गीगा फाइबर लॉन्चिंग कर रहे हैं और प्रेस क्लब को जोड़ रहे हैं। व्हाट इज दिस गीगा? गीगा क्या होता है? 1 गीगाबिट पर सेकंड की जो स्पीड होती है उसको गीगा फाइबर बोलते हैं। ओके, उसी हमारे सीनियर पत्रकार सुभाष जी। जी भाई साहब बताइए। मैं बताऊँ कुछ नहीं, आप विराज हुए हैं, उदयपुर की जनता को थैंक्स दे कि ठूठा आपके सामने आया है। बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू उदयपुर की जनता और हमारे लेक सिटी प्रेस क्लब के सारे अध्यक्ष और सदस्यों के लिए। और अविनाश जी, ये भी ईटीवी राजस्थान में भी है और ईटीवी जी न्यूज़ में, तेन सभी न्यूज़ों में है, और 24 से आपने अपना करियर स्टार्ट किया। बिल्कुल साहब, और ये प्रेस क्लब जो है एक फील्ड में कह सकते हैं कि हमारा ये घर है एक तरह से। पूरे दिन भर दौड़ धूप करते हैं, बारिश में अगर बचना है तो प्रेस क्लब आ गए, गर्मी से बचना है प्रेस क्लब आ गए, और तमाम सुविधा यहाँ पे जो है प्रेस क्लब में है। जब शुरू हुआ था तब वो संभवतया काफ़ी सारा संघर्ष हमारे जो सीनियर्स जो है उन्होंने किया, और आप जिस नए रूप में ये क्लब आया है तो स्मार्ट सिटी का ये स्मार्ट प्रेस क्लब है, यहाँ पे हर सुविधा हमको मिल जाए। वेरी गुड अविनाश जी, डी सी जे भगवान जी प्रजापत, ये भी लेक सिटी प्रेस क्लब के हैं, और अभी वाइस प्रेसिडेंट, प्रचार प्रसार मंत्री हूँ। प्रचार प्रसार मंत्री, वेरी गुड। और लतीफ जी, लतीफ भाई क्या बोलना चाहेंगे आप? बोलो सर। कुछ नहीं, मैं आपसे ये निवेदन करना चाह रहा था कि प्रेस क्लब को सब जानते हैं और मेरे सारे वरिष्ठ और सम्मानित सदस्य यहाँ बैठे हैं। छोगालाल जी, आप जिस चीज़ को चलाते हैं अपने चैनल पे, वो सब लोग उदयपुर के सारे वासी देखते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जो सुविधाएं जो प्रेस क्लब के पास मौजूद है उनको भी एक बार आप चैनल के जरिए सभी को बताएं। इतना बढ़िया टेबल, कंप्यूटर, ये लैपटॉप क्या बोलते हैं, ये सभी प्रेस क्लब का है आपका? ये सब प्रेस क्लब का है। प्रेस क्लब में अभी वातानुकूलित एक कमरा भी बना हुआ है, इसके अलावा अध्यक्ष के लिए अलग से एक कमरा है, उसके अलावा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी भी तरह के आयोजन होने के लिए एक बड़ा कमरा, बड़ा हॉल भी है जिसमें काफ़ी सारे कार्यक्रम होते हैं, पत्रकार वार्ताएँ भी आयोजित की जाती है। वेरी गुड यार, आपने बहुत ज़्यादा बोला, कोई प्रेस क्लब का अध्यक्ष बनने की इच्छा? मैं हमेशा मेरे वरिष्ठों की, मेरे सीनियर्स की ताकत बनना चाहता हूँ, मुझे कोई पद की कभी भी लोलुपता नहीं रही है। वेरी गुड। ये राम सिंह जी हैं, राम सिंह जी अभी कौन से अखबार में हैं आप? मैं उदयपुर न्यूज़ चैनल में हूँ अभी, और सबसे पहले लेक सिटी प्रेस क्लब को आज बधाई देना चाहता हूँ, और आजीवन हमारे प्रेस क्लब के अंदर एक इंटरनेट सुविधा जो आज उपलब्ध हो रही है, ये बहुत खुशी की बात है, और सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू बॉस। आप भी जी न्यूज़ राजस्थान से? जी टीवी राजस्थान। नाम पता कुछ? अमानत नाम मेरा, और बस
सबको बधाई। यस राजेंद्र जी हिलोरिया, पहले ये बढ़िया दरबार जैसे मूछे रखते थे, दाढ़ी रखते थे, बोले कुछ फोटोग्राफर सीनियर। ये प्रेस क्लब आज जो ऊंचाई पे पहुंचा, हमें बड़ी खुशी है। पठान साहब और उन्होंने जो मेहनत की आज इतनी ऊंचाई पे पहुंचा है। मुझे पता है जब प्रेस क्लब बना पहली बार मैं मेंबर था, हम लोग सारे मोता पार्क में दरे बिछे थे, कई बार देवाली जाके समुदाय भवन वहाँ जाके हम मीटिंग करते थे, हमारे पास कोई सुविधा नहीं थी। आज हमारे आज बहुत ज़्यादा सुविधा है, बहुत अच्छी सुविधा है। हमारे जितने भी प्रेसिडेंट बने हैं, चाहे वो भूपेंद्र राव बनो, प्रकाश शर्मा बनो, नारेश्वर जी राव बनो, जितने भी अध्यक्ष वर्तमान में हैं पहले थे, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि प्रेस क्लब का अध्यक्ष बनाया। यस सर, आप पहले 24 में थे और अभी कहाँ हैं? उदयपुर न्यूज़ में कमल वसीडा। सबसे पहले यहाँ सभी वर्तमान अध्यक्ष को और पूर्व अध्यक्ष को मेरी तरफ से बधाई। वेरी गुड। ये दोस्तों उदयपुर वासियों में बता दूं कि हमारे उदयपुर शहर का प्रेस क्लब लेक सिटी प्रेस क्लब जिसका नाम है, बहुत फेमस प्रेस क्लब है। बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा कुछ होंगे उसके बारे में, तो मैं यहाँ के 3-4 अध्यक्षों से पूछूंगा कि तुम नया क्या कर सकते हो अब। हाँ भाई कुलदीप। यस प्रणाम। ये बड़ी खुशी बात होती है कि हमारे साथ कोई खड़ा होकर बात करता है। यस बोलिए। तो सबसे पहले सभी लोगों का और ख़ास तौर से आपका भी सब स्वागत, क्योंकि प्रेस क्लब को आज पहली बार आपने जिस ढंग से बताने का प्रयास किया है, जो प्रेस क्लब आप लोगों की वजह से जो आप लोगों ने जो यहाँ नींव रखी, जितने भी आप वरिष्ठ लोग हैं, भूपेंद्र जी भाई साहब यहाँ पे, रफीक साहब वगैरह, जितने भी प्रकाश जी भाई साहब, संजू जी, गौतम जी, खाबे जी वगैरह, मनु 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 नहीं आए अभी, मनु जी अब आ रहे हैं, वो किसी काम से व्यस्त हो गए होंगे, तो अभी वो संडे है तो थोड़ा लेट ही आते हैं। संडे में कुछ लोग लेट आते हैं। बहुत बहुत बधाई सर। यस सर। कमलेश कुमार जड़ोला, खबर 27 से, और सभी का आभार जताना चाहूँगा, क्योंकि हमें दिन हो या कभी भी कुछ ज़रूरत पड़ती है तो हम क्लब में आके बैठ सकते हैं, अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब बैठे हुए हैं, मैं भी बैठ जाता हूँ, कारण के नारेश्वर जी राव है, पूर्व में 3 बार लेक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात होते हैं बॉस के, हमारे कई सारे लेक सिटी के प्रेस क्लब के हर 2-3 साल में चुनाव होते हैं, कोई जिसका कार्यकाल अच्छा होता है वो 2 बार हो जाता है, और ज़्यादा होता है, कोई मजबूरी होती है तो हम 3 बार भी उसको कर देते हैं। मजबूरी नहीं, मतलब कोई ढंग का आदमी नहीं मिले तो क्या करो, मजबूरी का मतलब अगर मान लो कोई ढंग का आदमी नहीं मिलता है, ये मेरी अपनी भाषा है, आप बुरा मत मानना कोई भी पत्रकार। आपने जो अपना कौन से सन में आपने अपना ये कार्यकाल चलाया 3 साल का रेगुलर? मैं 2007-08 से रेगुलर 3 साल तक रहा था, 2007-08 से 8-9-10-11 तक मैं रहा था यहाँ पे। उस दौरान जो लंबित मांग थी, लंबे समय से चली आ रही थी पत्रकारों को भूखंड दिलाने वाली, वो मांग सभी साथियों के सहयोग से वो पूरी हो गई, और मेरा भाग्य था कि मेरे समय में वो पूरी हो गई। आज सबके पास प्लॉट है, और कुछ साथी हैं जिनके प्लॉट की मांग अभी लंबित चल रही है, वो भी भविष्य में वर्तमान अध्यक्ष साहब और आगे जो भी अध्यक्ष आएंगे उस मांग को पूरा करेंगे, तो सबको भूखंड वगैरह मिल जाएगा। और भविष्य की योजना में रफीक साहब से मेरा निवेदन है कि एक ई लाइब्रेरी यहाँ पे अगर बन जावे तो सभी साथियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि इंटरनेट तो हो ही गया है, सारे सिस्टम अगर यहाँ पे लग जाए तो सारे साथी यहाँ पे आके काम कर सकेंगे। थैंक यू। ये थे नारेश्वर जी राव, पूर्व के लेक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष। अब इनके जस्ट बाद में बने थे अपने अख्तर साहब। अख्तर साहब भी बहुत बड़े फोटोग्राफर रह चुके हैं, नेशनल इंटरनेशनल सभी बड़े बड़े अखबारों में रह चुके हैं, चाहे वो भास्कर हो या कोई भी हो। आपने अपने कार्यकाल में क्या सफलता हासिल की? मैंने अपने कार्यकाल के अंदर जो अभी प्लॉटों का जो मामला चल रहा है उसकी शुरुआत मैंने ही करी थी, और काफ़ी हद तक हम सफलता के करीब पहुंच गए थे, काफ़ी हद तक सफलता के करीब पहुंच गए थे, लेकिन किसी कारणों की वजह से और कोर्ट में मामला जाने की वजह से वो पूरा नहीं हो पाया क्या। और अभी के जो हमारे वर्तमान अध्यक्ष हैं उनके भी काफ़ी प्लॉट को लेके काफ़ी अच्छे प्रयास हैं। पहले जिन पत्रकारों को प्लॉट मिले थे उसमें हमारे नारेश्वर राव ने एक बहुत अच्छी और बहुत सार्थक कोशिश करी थी, और उसकी वजह से जितने भी कितने 70 हुए थे, 106 पत्रकारों को प्लॉट मिले थे। हमारा अभी यही कहना है कि एक बार फिर नारेश्वर जी राव उसी स्पिरिट के साथ में, चाहे अध्यक्ष बन के चाहे वैसे भी, लेकिन एक बार वापस पत्रकारों की नैया पार लगा दें, क्योंकि उनको वो पूरा रास्ता पता है।
कई बार हम उलझ जाते हैं, लेकिन उन्होंने एक जिस तरीके से उसको उस नैया को पार लगाया। चलो यार दोस्तों, ये तो मैं किसी को अध्यक्ष बनाने के लिए बड़ी बाइट नहीं ले रहा हूँ, जो भी बनेगा जो बनेगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और अभी ये प्रताप जी राठौड़ हैं, प्रताप जी राठौड़ भी लेक सिटी प्रेस क्लब के दो बार अध्यक्ष बन चुके हैं, एक बार बने हैं। अच्छा, तो एक बार तो फिर गोटे उठे डालो, मुझे ऐसा लग रहा है कि सब दो दो तीन तीन बार बन चुके हैं, तो बहुत बहुत बधाई। पहले एक साल का कार्यकाल होता था, लेकिन मेरे टाइम के बाद में दो दो साल का कार्यकाल हो गया सबका। हाँ, मेरे बाद में मनु बना, मनु का भी दो साल का कार्यकाल रहा, प्रताप जी बने उनका भी दो साल का कार्यकाल रहा, और अब रफीक साहब हैं उनका भी दो साल का कार्यकाल। ओके, ठीक है सर। आप मुझे बताइए कि लेक सिटी प्रेस क्लब में आपने भी काफ़ी संघर्ष किया है कई प्लॉटों के लिए, ये लिए, तो उसको पूरी जानकारी दें। सबसे पहले तो सभी वरिष्ठ लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया मैं अदा करना चाहूँगा कि मैं सबसे नौजवान अध्यक्ष जो है, इन सभी की बदौलत जो है मैं यहाँ पर बना, इन सबका प्यार दुलार मेरे को मिला। आज का यह दिन है, आज प्रेस क्लब में जो एक शुरुआत हुई है गीगाबिट फाइबर की, क्योंकि प्रेस क्लब के जो जितने भी साथी हैं, डिजिटल का आज का युग है और इसमें कहीं ना कहीं इंटरनेट की महती आवश्यकता है, सभी को होती है। इंटरनेट की इस तरह की फैसिलिटी होगी, कोई भी पत्रकार साथी जो है यहाँ आकर अपना काम जो है वो आसानी से कर सके, तो इन्होंने हमारी बात को रखा, इसके लिए शुक्रिया। और इन्होंने आज इसकी लॉन्चिंग जो है वो प्रेस क्लब की है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस लॉन्चिंग के लिए उदयपुर शहर में सिर्फ इन्होंने लेक सिटी प्रेस क्लब को चुना है, तो इसके लिए मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये सब चीज़ जो है प्रेस क्लब को इन्होंने निःशुल्क आजीवन उपलब्ध कराई है, तो हमारे लिए आज ये सौभाग्य का दिन है, हमारे लिए बड़ा ही हर्ष का दिन है कि आज एक बड़ी आवश्यकता प्रेस क्लब के लिए आज यहाँ पर पूरी हुई है। इस मौके पर मैं लेक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष रफीक साहब का, पूर्व अध्यक्ष अख्तर जी, नारेश्वर जी राव, तमाम जो लोग सभी पत्रकार साथी यहाँ पर बैठे हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आज वो सब भी यहाँ पर पधारे। हेमंत जी श्रीमली, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अच्छे आदमी हैं, हम लोगों ने भी काफ़ी आपस में संघर्ष किया है केबल लाइन में, सभी लोग जानते हैं, बट ये बातें पुरानी हैं क्योंकि संघर्ष से ही कोई आदमी कुछ नया कर पाता है। हमने भी इससे सीखा, इन्होंने भी हमसे सीखा होगा, डेट्स ऑल राइट। आज ये इंटरनेट की जो स्पीड दे रही है उदयपुर की जनता को, बहुत सस्ते दामों में बहुत खतरनाक स्पीड देते हो, शायद यही बात है। ये मैं आपको बता दूं कि आज की तारीख में भी अगर कोई गीगाबिट स्पीड से चलना चाहे और किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से कनेक्टिविटी ले, तो कम से कम उसको मासिक 3 लाख रुपया खर्चा करे तो वो 1 गीगाबिट स्पीड का आनंद ले सकता है। उदयपुर के सब पत्रकार भी एक साथ मिलके अपना अपलोड डाउनलोड करें तो ये स्पीड में कभी कमी नहीं आएगी, और गीगाबिट का यही है। और जो OFC से हम जोड़ रहे हैं, आपको एक ताजुब होगा कि OFC में जो सिग्नल है वो पर सेकेंड 3.5 लाख किलोमीटर ट्रैवल करता है, तो डेटा की स्पीड इस पोर्शन से चलती है गीगाबिट में, यही बोलना चाहूँगा। और आज ये समर्पित कर रहे हैं, बाकी आप कंटिन्यू फिनिश होकर। थैंक यू दोस्तों, ये सभी, ये तो हेमंत जी श्रीमाली हैं गीगाबाइट वाले, बट हमारे लेक सिटी प्रेस क्लब के श्रीमान रफीक साहब, जैसा कि होता है ना यार, इतने लोगों के आदमी अपना भी दिमाग इतना तेज नहीं है, रफीक साहब बहुत पुराने पत्रकार है मेरे ख्याल से, तो अभी यहाँ एट प्रेजेंट जितने पत्रकार हैं इस प्रेस क्लब में, उन सब में अगर कोई सीनियर पत्रकार है तो सिर्फ रफीक साहब, शायद मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, तो ये मैं बिल्कुल परफेक्ट बात कर रहा हूँ कि उदयपुर के लेक सिटी प्रेस क्लब में मेम्बरों में सबसे सीनियर रफीक साहब हैं। उस जमाने में हमारे जो अपराहन टाइम्स के मालिक हुआ करते थे, उनका क्या नाम था, प्रदीप जी मोगरा भी हमारे लेक सिटी प्रेस क्लब के उस जमाने में अध्यक्ष रह चुके हैं। और जब लेक सिटी प्रेस क्लब हम लोगों ने बनाया था, प्रदीप जी मोगरा, जो बार बार मैं कह रहा हूँ, भूपेंद्र राव, तो उनके साथ में उस जमाने में रफीक साहब भी थे, आज हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं। बहुत खुशी होती है कि इतने सीनियर आदमी आज हमारी प्रेस क्लब की सीट पर बैठे हुए हैं। सर, और क्या संभावना है प्रेस क्लब में जो हम, जो यहाँ के स्थानीय पत्रकारों को कुछ सुविधा मिल सके? ये गीगाबाइट फीगाबाइट तो चलती रहती है, और क्या नई सुविधा मिल सकती है, और इस गीगाबाइट से पत्रकार की जेब में कितना क्या फ़ायदा होगा?
सबसे पहले तो मैं हेमंत जी श्रीमाली का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने गीगाबाइट्स से लेक सिटी प्रेस क्लब को जोड़ा है और उन्होंने यहीं से लॉन्चिंग की है। मैं मल्टीनेट सर्विसेज का भी आभारी हूं कि उन्होंने इस स्थान को चुना। इस सुविधा से पत्रकारों को समाचार प्रेषण में काफ़ी सुविधा मिलेगी। जो पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हैं उनको काफ़ी अच्छी सुविधा यहाँ मिल सकेगी। इसके साथ ही जो प्रिंट मीडिया से जुड़े हैं वो भी अपना यहाँ से समाचार प्रेषित कर पाएंगे और अच्छी स्पीड से, अच्छी गति से। तो उनके कार्य में जो कौशलता है, कार्यकुशलता है, वो सबसे पहले मैं, वो वाली जो बात है वो उस इस सुविधा के माध्यम से वो सबसे पहले मैं जुड़ जाएंगे। लेक सिटी प्रेस क्लब, जैसा कि भाई अविनाश जगनावत ने कहा कि उनका ये दूसरा घर है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि लेक सिटी प्रेस क्लब पत्रकारों का दूसरा घर है। जब दिन भर वो फील्ड में रहते हैं, उन्हें थकान के लिए, वो मिटाने के लिए कोई जगह चाहिए, तो वह क्लब ही उनका सहारा है। यहाँ हम सारी सुविधाएँ दानदाताओं के माध्यम से जुटाते हैं। अधिकांश सुविधाएं, चाहे वह एयर कंडीशन्स हुआ, कंप्यूटर्स हुआ, टीवी हुआ, वाटर कूलर्स हुआ, फ्रिज हुआ, जो कुछ भी सुविधाएं हैं वह सभी दानदाताओं के माध्यम से जुटाई जाती है। और हम सभी दानदाताओं का शुक्रगुजार करते हैं कि वो हमारी ज़रूरतों को देखते हुए समय समय पर अपना सहयोग हमें प्रदान करते रहते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक सुविधाएं इस क्लब के लिए जुटाएं, ताकि हमारे जो पत्रकार साथी जो कड़ी मेहनत करते हैं, दिन भर फील्ड में रहते हैं, उनको उनके मालिक कोई सुविधा नहीं देते हैं। हम अपने संगठन के माध्यम से सुविधाएँ जुटाते हैं ताकि उनको मानसिक शांति मिल सके, वह थोड़ी राहत महसूस कर सके और वह अपना काम के अंदर कुशलता कौशल अधिकाधिक ला सके। लेक सिटी प्रेस क्लब के रफीक जी हमारे अध्यक्ष हैं। सर, बहुत खुशी की बात है और मैं खुद आपके इस प्रेस क्लब का मेंबर हूं। हमें मालूम है कि हम लोग बहुत यहां खुशी महसूस करते हैं कि इतना बढ़िया भवन लेक सिटी प्रेस क्लब का, प्रेस क्लब के साथियों के द्वारा ही ये नगर निगम ने दिया है। मुझे तो आप ये बताइए कि वर्तमान में कितने सदस्य हैं आपके यहाँ? जब लेक सिटी प्रेस क्लब की स्थापना हुई थी, मैं उनके संस्थापक सदस्यों में से एक हूं और उस वक्त हम केवल 10 या 12 सदस्य हुआ करते थे। आज की तारीख में इसके लगभग 200 से के लगभग सदस्य हैं, जो सभी पत्रकार एजेंसियों में काम करते हैं और वो इसके सतत सदस्य रहकर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। वेरी गुड। तो दोस्तों, उदयपुर के शहर के सभी पब्लिक से मैं बताना चाहता हूं कि लेक सिटी प्रेस क्लब में लगभग 200 पत्रकार हैं जो इस लेक सिटी प्रेस क्लब के मेंबर हैं। सभी अपने भाईचारे के हिसाब से रहते हैं। सभी लोग, कई सारे लेक सिटी प्रेस क्लब समय समय पर अपना इवेंट करता है, 15 अगस्त को भी इवेंट करता है, कई सारे प्रशासन के साथ क्रिकेट मैच खेलना, ये खेलना, वो खेलना, 26 जनवरी को लेक सिटी प्रेस क्लब के सभी परिवार के साथ, बच्चों के साथ, पत्नियों के साथ यहाँ बहुत बढ़िया उत्सव मनाता है 26 जनवरी को लेक सिटी प्रेस क्लब। और लतीफ़ जी, भाई साहब, आप उदयपुर के एक स्टार है, छोगालाल जी भोई का नाम सब जानते हैं और आप अभी वर्तमान कार्यकारिणी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर हैं, तो मैं आपसे ये, मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि आपने 1998 में जब प्रेस क्लब की स्थापना हुई, उस नींव पत्थर के पत्थर लगने, एक पहला पत्थर लगने से आप इससे जुड़े हुए हैं, तो आज प्रेस क्लब को इस मुकाम पर देखकर आपको कैसा लगता है? नहीं, नो डाउट, हमें बहुत खुशी होती है। देखो यार, कि हमारे जो उस्ताद थे अखबार, क्योंकि बड़ा टेढ़ा सवाल पूछा गया यार, 2 मिनट में इतनी पुरानी बात पूछ ली। बड़ी खुशी होती है कि हमारे जो पत्रकारिता के एक, हम लोगों को जिसने पत्रकारिता सिखाई वो है सुरेश जी गोयल। सुरेश जी गोयल प्रातःकाल दैनिक के मालिक हैं और उस जमाने में भूपेंद्र जी राव, प्रकाश शर्मा और कई सारे लोग प्रातःकाल में ही अपनी पत्रकारिता करते थे। और उस जमाने में भी एक और नए नए पत्रकारिता में कुछ आगे हुए थे, जिनका नाम है हेमंत श्रीमाली। हेमंत जी श्रीमाली आज सहारा न्यूज़ में जहाँ भी है, बट उस समय ऐसा भी हुआ करता था कि हमारे पास कहीं बैठने की जगह नहीं होती थी। तो वो जो हेमेंद्र श्रीमाली है, जो आजकल हमारे 2-3 न्यूज़ चैनल को देखता है, उन्होंने सबसे पहले एक कोई मीटिंग की होगी मेरे ख्याल से, ये पतवारी है दिल्ली गेट के पास, वहाँ का एक ऑफिस हुआ करता था, इंद्रप्रस्थ कॉम्प्लेक्स में। तो ये हमें बड़ी खुशी की बात होती थी कि यार उस जमाने में किसी एक ने हमें बैठने के लिए जाजम दी थी। फिर हम लोग धीरे धीरे दोस्त बने, दोस्त बनने के बाद में इसको हमने बहुत आगे बढ़ाया और ख़ासतौर पे जो भूपेंद्र राव, प्रकाश शर्मा, एक अपने क्या नाम है उसका, संजय जी गौतम, संजय खाबिया, ऋतुराज भी एक दाढ़ी वाड़ी रखते थे उस जमाने में और बॉस टाइप पत्रकारिता करते थे, तो बड़ी
अब मैं क्या पूछूं यार, ये तो कुल मिलाकर भाई तेने पूछा ना, तो लेक सिटी प्रेस क्लब को हम जिनके पास बैठने की दरी नहीं होती थी, आज इतना बढ़िया महल है 3-4 मंजिला और 7-8 कमरे हैं, और कहीं फोकट में हर कोई कुर्सियाँ दे रहा है, कोई इंटरनेट दे रहा है, तो ये लेक सिटी प्रेस क्लब ने, आप लोगों ने जो नए नए छोरों ने जो गुडविल बनाई ना, उस कारण से हमें कुछ मिल रहा है। भाई कौन आवे आज की तारीख में, अरविंद सिंह मेवाड़ उनका लड़का जो लक्षराज से है वो लेक सिटी प्रेस क्लब में आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों ने जो लेक सिटी प्रेस क्लब बनाई। SP इधर आ रहा है, DIG इधर आ रहा है, और क्या चाहते हो मेरे से यार? थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। इस दिन को यादगार बनाने के लिए छोगालाल जी भाई साहब का भी लेक सिटी प्रेस क्लब की ओर से, सभी पत्रकार साथियों की ओर से हम लोग धन्यवाद देते हैं कि इस चीज़ को उन्होंने अनूठे ढंग से, इस प्रेस क्लब को, क्योंकि हम लोग जो है दिया तले हमेशा अंधेरा रहता है, हम अपनी बात जो है कहीं पहुंचा नहीं सकते, लेकिन भाई साहब ने आज पत्रकारों की चीज़ सभी के सामने रखी पूरे शहर के लिए, इसके लिए विशेष रूप से हम उनका धन्यवाद जो है अदा करते हैं। धन्यवाद दोस्त, हमें तो बहुत खुशी होती है, सब लोग खुशी महसूस करते हैं। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।